माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, आशुतोष टंडन जी बैठे माननीय मंत्री जी, और कई सारे हमारे मीडिया प्रभारी और इस सरकार के ऑफिसर्स आदि भी बैठे हैं, इन सबको मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। मैं दो बातों में प्रकाश डालना चाहती हूँ। एक तो हमारे इस सेवा केंद्र को एक्सटेंड करते हुए हम लोगों ने एक गुलजार उपवन का निर्माण करने जा रहे हैं, जहाँ एक ऐसे सुंदर समाज के निर्माण के लिए, मूल्य युक्त समाज के लिए, मूल्यों की प्रतिष्ठापित करने के लिए एक विद्यालय की स्थापना। आज डॉक्टर बनाने वाले स्कूल कॉलेजेस हैं, इंजीनियर बनाने वाले स्कूल कॉलेजेस हैं, और एक पायलट का निर्माण किया जाता है। क्या कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है जहाँ मूल्यों की फिर से पुनर्स्थापित किया जाए? आज हम कहीं भी जाते हैं, मूल्यों की चाहना हम सभी रखते हैं। आज एक सब्जी भी खरीदने जाते हैं, तोल सही होना चाहिए, कपड़ा सही होना चाहिए, टिकट सही होना चाहिए, चाहना हम दूसरों से रखते हैं, लेकिन वो मूल्य हमारे अंदर प्रतिष्ठापित कहाँ हो? तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ईश्वर ने कौन सी विद्या, डॉक्टर, मेडिकल, इंजीनियर बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ाई, दैवत्व की स्थापना कैसे की जाए, हमारे अंदर दैवीय संस्कार कैसे आए, उसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पे हम रोज़ ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और वर्तमान समय को देखा गया है, लोगों की इतनी डिमांड है, हमारे युवा प्रभाग, खेती किसान वाले, किसान वर्ग वाले, हर प्रकार के, हर समाज के बंधुओं को योग की आवश्यकता लग रही है। उसी आवश्यकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम भाई साहब के ही शुभकामनाओं से, जब भी आपसे मिले आपकी शुभकामना हमारे साथ रही, इस योग भूमि, तपस्वी भूमि, योगियों के हाथों से उस कार्य की शुरुआत होने जा रही है कल, उसका शिलान्यास। और कहा जाता है, शुरुआत ही अच्छे विचार अच्छे हस्तों से हो जाए, वो कार्य तो होना नहीं है, हम तो कहेंगे हुआ ही पड़ा है। और पूरे भारत देश के कोने कोने से हमारे भाई बहने आए, उनका हार्दिक स्वागत। आदरणीय श्रद्धेय दादी जी, 103 साल की उम्र में भी हिम्मत रखकर हमारे बीच में पहुंची है। दादी जी को मोस्ट स्टेबल माइंड लेडी इन दिस वर्ल्ड कहा गया अमेरिका की कंपनी ने। तो ऐसी स्थिर दिमाग वाली 137 देशों में जाकर भारत के संस्कारों को, भारत के विचारों को, भारत के योग को आपने प्रचलित किया है। वहाँ संस्था की स्थापना करके उन सबको देवत्व के संस्कार भरने का काम किया, उन सबको भारत की ओर आकर्षित करके भारत के प्रति सबके मन में उमंग, उत्साह, एक रिगार्ड, रिस्पेक्ट, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत लाइट हाउस है, भारत के द्वारा ये भगवान के कार्य को सिद्ध किया जा सकता है, विश्व के सब लोगों को घूम घूम कर भारत की ओर आकर्षित किया है। ऐसे दो महान विभूतियों को आज मैं पाकर, मेरे पास बस शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम शांति। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करें वो काम जो सारा जहां सलाम करे। और राधा बहन ने बीड़ा उठाया है कि लखनऊ में एक बहुत ही खूबसूरत गुलजार उपवन बनाने का, निश्चित है कि वो गुलजार होगा। माउंट आबू से पधारी हुई मधुर वाणी ग्रुप, भ्राता सतीश जी और भ्राता नितिन जी, उनका मन भी कहीं स्वर्ग के साथ संगम कर रहा है, और उन्हें लग रहा है वो शाम शाम कैसी जिसमें गीत न हो, जिसमें आवाज़ न हो। साज और आवाज़ के साथ भ्राता नितिन जी और भ्राता सतीश। म्यूजिक बढ़ा आप सब तालियों से अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री प्यारे, माननीय मुख्यमंत्री प्यारे, योगी जी पधारे हैं, दादी जी के अभिनंदन को प्यार हृदय में धारे हैं, सागर में नाया ना पानी,
सागर में ना इतना पानी, अंबर में ना तारे हैं। आज हमें है इतनी खुशियाँ, झूम रहे हम सारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री प्यारे, बहुत खुशी का दिन है, हम चाहेंगे सब तालियों के साथ स्वागत करें। विनम्रता जो आपने आकर दादी जी को मान दिया, दादी जी के सार प्रभु की योजना का सम्मान किया। विनम्रता जो आपने आकर दादी जी को मान दिया, दादी जी के साथ प्रभु की योजना का सम्मान किया। दादी जी भी यही कह रही, दादी जी भी यही कह रही, भाई आप हमारे हैं। दादी जी के अभिनंदन को प्यार हृदय में धारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री प्यारे, कितना सुंदर मिलन है, दिल से दिल मिल रहे हैं और ये नवयुग निर्माण की योजना तैयार हो रही है। राजनीति को आप जैसी विभूतियों का साथ मिला, अध्यात्म शिरोमणि दादी जी के वरदानों का हाथ मिला। राजनीति को आप जैसी विभूतियों का साथ मिला, अध्यात्म शिरोमणि दादी जी के वरदानों का हाथ मिला। राजनीति अध्यात्म का संगम, राजनीति अध्यात्म का संगम, स्वर्ग धरा पे उतारे हैं। दादी जी के अभिनंदन को प्यार हृदय में धारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री प्यारे, दादी जी भी कह रही हैं आपका मन बहुत खुश है, बहुत अच्छा दिन है, ये बार बार दिन है। भारतवर्ष महान था फिर महान बनाना है, विश्व गुरु इसको बनाना हमने मन में ठाना है। भारत वर्ष महान था फिर महान बनाना है, विश्व गुरु इसको बनाना हमने मन में ठाना है। शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारिया, शक्ति ब्रह्मा कुमारियों संग चले हम सारे हैं। दादी जी के अभिनंदन को प्यार हृदय में धारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री प्यारे, माननीय मुख्यमंत्री प्यारे, योगी जी पधारे हैं। दादी जी के अभिनंदन को प्यार हृदय में धारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री प्यारे, माननीय मुख्यमंत्री प्यारे, माननीय मुख्यमंत्री प्यारे। शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मिलन जो आप देख रहे हैं, दो शक्तियों का आदान प्रदान है। वो ऊर्जा जो दादी जी के अंतःकरण में तपोनिष्ठ होने के बाद उत्पन्न हुई है, आज योगी जी को हम देख रहे थे, कर कमलों से ट्रांसफर हो रही थी। और एक माँ और एक बच्चा कैसे साथ साथ होता है ये दिखाई दे रहा है। अभी हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी पधारे। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी ने सदैव इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसे अनेक कदम रखे हैं जिनको हम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं कि आदरणीय आशा बहन ने अथक पुरुषार्थ से ऐसा किया। हमारे यहाँ का एक कोहिनूर जिन्होंने आज आगे बढ़ते हुए दिल्ली के पांडव भवन में सेवाएं दी, पूरे भारतवर्ष में सेवाएं दी, विश्व के कोने कोने में परचम फहराया और साथ साथ हमारे प्रशासनिक प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। इसके साथ ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव की डायरेक्टर हैं। आज एक डायरेक्टर रिट्रीट सेंटर दूसरे रिट्रीट सेंटर के भूमि पूजन में आई हैं, शिला उद्घाटन में आई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आखिर ऐसे रिट्रीट सेंटर की लखनऊ की सरजमी पर क्या ज़रूरत थी, उद्देश्य बताएंगे आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति। आज तो आदरणीय दादी जी और हमारे मुख्यमंत्री, इनको सुनने का दिन है। दादी जी के आशीर्वाद में बड़े पले और दादी जी के आशीर्वाद से, प्यारे बाबा की प्रेरणा से सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो आज का दिन तो हम दादी जी को सुनना चाहेंगे और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगी, मुख्यमंत्री भाई, आपको आज आश्चर्य होगा एक बात सुनकर कि जिस समय लखनऊ की भूमि में ईश्वरी विश्वविद्यालय ने कदम रखा था, उस समय यहाँ पर एक भी आत्मा उसे जानती नहीं थी। शिव शक्तियाँ जिनको परमात्मा ने बनाया, ऐसी हमारी दो दादियाँ यहाँ पर आईं, जिन्होंने बाबा को कहा, बाबा हम तो लखनऊ जानते भी नहीं, लखनऊ है कहाँ। लेकिन बाबा ने क्या कहा उनको, वो उनके लिए मोटिवेशन था। बाबा ने कहा, अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया और तुम तीन नेत्र वाले लखनऊ नहीं ढूंढ सकते हो। वो दो नेत्र और तीसरा अपना आध्यात्मिक दिव्य नेत्र। और मैं कहूँगी उस समय MLA क्वार्टर्स में इसका आरंभ हुआ। हाँ जी, हाँ वही MLA क्वार्टर्स से आरंभ हुआ और आज इतना विस्तार देख करके हमें बहुत हर्ष होता है। और हम ये चाहेंगे भाई साहब, शिव शक्तियाँ जैसे कार्य कर रही हैं, दादी जी का सानिध्य है, हमारे भाई भी अगर हमारे साथ जुड़े रहें और कार्य में सहयोग दें तो सोने पर सुहागा होगा। और ये गुलजार उपवन जो आज आप उसकी शिला का वो अनावरण भी करेंगे, वह उपवन इतनी सेवा करके राष्ट्र को, अपने उत्तर प्रदेश को इतना सशक्त बनाएगा जो स्वर्ग आना दूर नहीं, स्वर्ग यहाँ शीघ्र जल्दी से जल्दी आ सकेगा। आखिर श्री कृष्ण की भूमि, श्री राम की भूमि, नदियाँ, आध्यात्मिक, आप देखेंगे मंदिर जितने उत्तर प्रदेश में शायद कहीं नहीं। ये भाग्य आपको मिला है और आज आपका भी कितना बड़ा भाग्य, जो दादी जानकी 103 वर्ष की। आप सबको मैं बताना चाहूँगी, मुख्यमंत्री जी को बताया था, आम तौर पर 58 और 60 में लोग रिटायर हो जाते हैं कि अब ये काम के नहीं रहे, लेकिन ये आत्मा दादी जी, इनको 60 में, जब इनकी आयु 60 हुई,
इनको विदेश भेजा गया, जाओ विदेश में भारत के कल्चर का डंका बजाओ, और इन्होंने वो दैवी डंका बजाया और आज 137 देशों में दादी जी को, दादी जी के निर्देशन से आज इतने सेवा केंद्र, लगभग 450 सेवा केंद्र विदेश में चल रहे हैं दादी जी के लिए। कितनी कितनी हम दिल से धन्यवाद और शुभ भावनाएं दें, ऐसे दादी हमारे साथ सारा संगम बनी रहे, अपना आशीर्वाद देती रहे, हमें मोटिवेट करती रहे। और दादी जी श्री कृष्ण अगर धरा पर आ जाएं आपके योग के प्रताप से तो क्या ही अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मानुष से देवता की एक करत न लागी वार, मनुष्य से देवता बनना कठिन नहीं, क्या मानव देव नहीं बन सकता? मानव अगर असुर बन सकता है तो देवता क्यों नहीं बन सकता? देवता बन सकता है, और वो कार्य अवश्य हमारे मुख्यमंत्री और दादी जी के निर्देशन से अवश्य संभव होगा। गुलजार उपवन इसीलिए बनाया जा रहा है, और जितना जल्दी ये तैयार होगा उतना जल्दी हम इसे राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ आज लखनऊ निवासियों को, स्पेशली हमारे जो सारे उत्तर प्रदेश के हेड बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं कि कार्य जल्दी जल्दी संपन्न हो और नज़ारे बदलने शुरू हो, अच्छे दिन जिनको आप कहते हैं वो जल्दी जल्दी आ जाए। ओम शांति। बहुत शुक्रिया। और अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच माउंट आबू से पधारे हुए हमारे सीए भ्राता ललित जी और रविंद्र जी गुलजार उपवन का एक चित्र भेंट करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये वो दृश्य है जिसकी कल आप नींव डालेंगे। और अब हम निवेदन करेंगे अपने युवा योगी मुख्यमंत्री से कि वो अपने मुखारविंद से इसके लिए हमें आशीर्वचन देंगे। अभी जब बोला जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अक्षर अक्षर मंत्र हो गए, गीतों को अमृतत्व मिल गया, मिलते ही अपनत्व तुम्हारा, जीवन को पूर्णत्व मिल गया। जहाँ दो शक्तियाँ राज सत्ता और धर्म सत्ता एक हो जाएगी, वहाँ निसंदेह ये उपवन गुलजार होगा ही। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो अपने हृदय के उद्गार अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय माउंट आबू की मुख्य प्रशासिका, परमादरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी, ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी, विभिन्न राज्यों से आए ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ प्रतिनिधिगण, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उपस्थित भाइयों बहनों, गुलजार उपवन के शिलान्यास के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय माउंट आबू की मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी का आगमन हुआ है। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं।
देश के विभिन्न कोने से आए हुए आप सभी ब्रह्मा कुमारी के प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये हम सब के लिए आज अत्यंत आनंद की अनुभूति करने का वाला अवसर है कि जब राजयोगिनी राधा बहन जी के प्रयास से प्रदेश की राजधानी में एक गुलजार उपवन के रूप में एक संस्कार शाला जो समाज को मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक कर सके उसकी आधारशिला रख करके हम मनुष्य बनने की प्रेरणा आम नागरिक को दे सकें। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों की मान्यता रही है कि मन यो मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्ष यो। हमारा जो मन है वह हमारे बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। बंधन और मोक्ष का जो कारण है अगर मन पर हमारा नियंत्रण है, हमारा मन अंतर्मुखी है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा उस पर नियंत्रण होगा। हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन बहिर्मुखी है, अपनी चंचल वृत्तियों पर हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो यही हमारे बंधन का कारण भी बनेगा। और ये बंधन हम सबके पतन का कारण भी बनता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा देश के अंदर जो अनेक केंद्र प्रारंभ हुए हैं, संचालित हैं, राजयोग की जिस एक विधा के बारे में बहुत सारगर्भित तरीके से, बहुत सहजता, बहुत सरलता के साथ ब्रह्मा कुमारी की बहनें आम जनमानस के मन में जो भाव जागृत करते हैं, इसी बंधन से मुक्ति का एक मार्ग प्रशस्त करने का बहुत सशक्त माध्यम है। ये सच कहा राधा बहन ने कि एक डॉक्टर बना देना, एक इंजीनियर बना देना, एक प्रशासक बना देना आसान है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य के रूप में बना करके हम उसे लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर सकें, ये उससे भी बड़ी बात है। और उस बड़ी बात को लेकर के ही ये जो गुलजार उपवन लखनऊ में स्थापना की ओर अग्रसर हो रहा है, आज यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी जी यहाँ पर स्वयं उपस्थित हुई हैं। आप उनकी उम्र का सहज अनुमान लगा सकते हैं, आज वो 104 वर्ष की हैं। यानी हम सबको उस युग की याद दिला रहे हैं जब हम लोग इस बात को मानते रहे हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता था कि 125 वर्ष की उम्र में भी उनके अंदर वही स्फूर्ति थी, वही भाव थे जो एक नौजवान के अंदर देखने को मिलते हैं। और आज भी आप देख रहे होंगे कि
दुनिया के अंदर अनेक संस्थाओं ने आदरणीय दादी जी को जिस रूप में जाना है, देखा है, जिस रूप में उन्होंने उनके बारे में जो शोध किया है, वह भारत की योग की विधा को एक वैश्विक मान्यता दिलाने की एक बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण है। मैं आदरणीय दादी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये हम सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि योग की इस विधा को जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा राजयोग के माध्यम से आम जन को जीवन मूल्यों से जोड़ने का कार्य हो रहा है और विभिन्न संस्थाओं में ब्रह्मा कुमारी की बहनें जाकर के मूल्यों और संस्कारों के बारे में जो जानकारी वहाँ से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को, प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारियों को या फिर जीवन के विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग परिस्थिति में कार्य करने वाले लोगों के सामने जो उनका उद्बोधन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए जो प्रेरणादायी उद्बोधन होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अनुकरणीय अभिनंदन, अनुकरणीय और अभिनंदनीय होता है। आज के इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जीवन मूल्य किसी भी समाज और किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। हम इस पक्ष को अछूता नहीं छोड़ सकते। इसके बगैर मनुष्य और मनुष्यता की कल्पना की भी नहीं जा सकती। हम इन सबको लेकर के आगे बढ़ें, समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आज जब भारत की योग की विधा को दुनिया ने मान्यता दी है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से विश्व योग दिवस के अवसर पर 21 जून को आप देखते होंगे कि दुनिया के अंदर 193 देश में, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 193 यूएनओ के सदस्य देश हैं, 193 से अधिक देश भारत की योग की इस परंपरा के साथ झूमते हुए दिखते हैं। जब दुनिया के किसी भी कोने में योग की चर्चा होती है तो ये भारत की 136 करोड़ की आबादी के गौरव को बढ़ाता है, उनके गौरव में वृद्धि करता है, क्योंकि योग की जब भी चर्चा होगी तो भारत की चर्चा होगी, भारत की इन परंपराओं की चर्चा होगी, भारत के ऋषि मुनियों की उस महान समृद्ध परंपरा की चर्चा होगी, भारत के शास्त्रों की चर्चा होगी, वेदों की चर्चा होगी, या फिर समय समय पर इस प्रकार की संस्थाओं ने, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं ने जो बहुत अमूल्य योगदान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किया है, इन सब की चर्चा होगी। हर भारतीय को इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर राधा बहन और उनके जितने भी उनके सहयोगी यहाँ पर इस अभियान को लेकर के आगे चल रहे हैं, उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि उनका ये पवित्र कार्यक्रम अनवरत आगे बढ़ना चाहिए। हम सब उनके साथ में हैं, हम सब का सहयोग उनके साथ सदैव बना रहेगा। आज ये हमारे लिए बहुत आनंद की अनुभूति का अवसर है कि आदरणीय दादी जी का आगमन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है, उनका स्वागत और अभिनंदन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सचमुच अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनका दर्शन और उनका सानिध्य मुझे यहां पर प्राप्त हुआ है। मैं उनका एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके स्वस्थ जीवन की ईश्वर से कामना करता हूं, उनका सानिध्य और उनका मार्गदर्शन
निरंतर इस देश को, समाज को, दुनिया को और मानवता को प्राप्त होता रहे, यह कामना करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति गुलजार उपवन के लिए कल मुझे उस कार्यक्रम में रहना था, लेकिन मैं एक आवश्यक कार्यक्रम से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है और मैं चाहूँगा कि मैं इसके बाद तो रहूँगा ही, जब भी यहाँ पर इस संस्था को हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग सदैव उनके साथ में हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं उन सब के लिए है, उन सब के प्रति है। एक अच्छे संस्थान की स्थापना और इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ने के लिए ईश्वर ने जो आप सबको ये अवसर दिया है, इसको हमें अपना जीवन का सौभाग्य मानना चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम के लिए और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मेरी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके प्रति हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हृदयोद्गार व्यक्त किए और ऐसा लगता है कि उनके अंदर से एक नया व्यक्तित्व उभरता है। मुझे खुशी हुई है आपसे मिलने का और सभी को उधर, क्योंकि वन चला है सब विचित्र भी देख रहे हैं। तो तीन बारी पहले सभी ओम शांति बोलो। ओम शांति, ओम शांति। एक ओम शांति मैं अपने लिए कहती हूँ, दूसरी ओम शांति बाबा के लिए। एक यहाँ मैं आत्मा, दूसरा बाबा ऊपर वाला, और तीसरा आप सभी भी लोग सभी भी। और 15 तो ये है, आज मैं कैसे पहुँची हूँ आज यहाँ, खास आपसे मिलने के लिए और खास आशा बहनों में देखा यहाँ का पहुँचे 15। अच्छा है सभी का दर्शन हो गया, दर्शन करके 15 ये सब चित्र को देखा। अभी 5 गुण मैं समझती हूँ हमारे में नेचुरल होना चाहिए। 5 गुण कौन से हैं? पहली है पवित्रता, दूसरी है सत्यता। पवित्रता सत्यता सदा ही कायम है जब धीरे है, धीरे से पवित्रता सत्यता ऐसी है जो बी के माना पहला पवित्रता फिर सत्यता और धीरेता फिर धीरेता से मधुरता
निम्रता, निम्रता और मधुरता, ये नेचुरल गुण हम सब में होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि देखो मैं ऐसे बैठे हूँ, मुझे पता नहीं आज मैं लखनऊ में क्यों आई हूँ। 15 बजे हाँ सही से मिलने के लिए आपको क्यों बिल्कुल क्या है मेरा भाई आपका यहाँ आना मेरा भी यहाँ पहुँचना आशा बहन का आना ये सारी सभा को मैं तो बुलाऊ ना आपको हमारे मधुबन में आना है जरूर आपका घर है अबू अब्बा का घर है अब्बा का अच्छा केयर करते हैं अब शेयर भी करते हैं इंस्पायर भी करते हैं करते हैं बोलो बताओ ना भाई मेरा केयर भी करता है एक एवरीथिंग जो आप कहेंगे एक्यूरेट जो दिल में है मैं तो देख रही हूँ चारों तरफ ये बहन जी बहन जी वंडरफुल रहा है ये भी बहुत समय के बाद देखा है यहाँ क्या करते हैं करने वाली है भाई साहब करता केयर भी करता सबके शेयर भी करता Light, might, everything right. दादी अभी वो जो कल रिट्रीट सेंटर का भूमि पूजन है उस पर जो सिलापट लगाया जाएगा पत्थर का उसका आज इनॉग्रेशन है आप अनावरण करेंगे आप भी करेंगे ये।